हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सासरवा खान और आप देख रहे हैं सासरवा टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और उसका क्या तरीकाकार है। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो जब आपका चैनल वेरीफाई हो जाता है तो आपके चैनल पर एक ब्लू सा टिक आ जाता है जो कि दिखने में काफ़ी प्रोफेशनल दिखता है, और इसके साथ ही कुछ फीचर आपके चैनल पर अनेबल हो जाते हैं, जिसमें पहला ये कि आप कस्टम थंबनेल अपने मतलब वीडियो में ऐड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार कस्टम थंबनेल क्या होता है। कस्टम थंबनेल वो होता है जो हम अपनी वीडियो में अपनी तरफ से ऐड करते हैं, अपनी तरफ से थंबनेल को ऐड करना कस्टम थंबनेल कहलाता है, ठीक है। सेकंड ये है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आप कंटेंट एडी से अपील कर सकते हैं। फोर्थ, आप 15 मिनट से मतलब कि लॉन्ग वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे वेरीफाई करना है, किस तरह से करना है, इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भाई के चैनल पर न्यू हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका दिल करे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप भाई के व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो व्लॉगिंग के लिए मेरा एक अलग चैनल है, उसका नेम है साद सरवर खान। मेन चैनल भी वही है और मैं उसी पर पहले तो टेक की वीडियोज़ को मैं अपलोड करता रह गया हूँ, तो उसे अब मैंने उसकी जो कैटेगरी है वो चेंज कर दी है, तो अब वो कन्वर्ट हो गया व्लॉगिंग में। अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे उसका नेम है साद सरवर खान। तो चलिए जब भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यार मोबाइल की स्क्रीन में आ चुके हैं। अगर हम मोबाइल के अलावा लैपटॉप या पीसी यूज़ करें उसके लिए भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है, इससे कोई अलग नहीं है, सारा कुछ सेम ही है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको जैसा भी गूगल क्रोम देखने को मिल रहा है आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है और न्यू टैब पे आपको क्लिक कर देना है, जैसा कि मैंने किया। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको www.youtube.com आपको लिख कर सर्च कर देना है। तो जो ही आप इससे सर्च करेंगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है और इसे आपने डेस्कटॉप साइड पर अनेबल कर देना है, ठीक है। तो अब आपको मिलेगा जैसे डेस्कटॉप में देखने को मिलती है स्क्रीन, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद आपको इधर अपना जो YouTube का अकाउंट है जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसे आपको इधर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, स्विच अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है अगर लॉगिन नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है स्टूडियो stu studio.youtube.com, ये लिखकर आपको क्लिक कर देना उस पर। तो अब आपके सामने आपके चैनल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग, इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा आपने गौर से देखने और समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। चैनल पे क्लिक कर देना है आपको, और इधर आपको फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है, और नीचे आपको देखने को मेरा फीचर डैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन, देखना वीडियो ओवर 15 मिनट, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और इधर आपको एलिजिबल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऊपर आपको अनेबल देखने को मिल रहा है ना, तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपको इधर अनेबल देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस इधर एलिजिबल पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पर, और क्लिक करके आपको इधर वो कह रहा है कि वेरीफाई फ़ोन नंबर, तो इधर फ़ोन नंबर आपको टाइप करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ वेरीफाई फ़ोन नंबर, और आपको वही फ़ोन नंबर देना है जो फ़ोन नंबर ऑन हो उस वक्त, ठीक है। तो ये आपको कोड देंगे और वही कोड आपको इंटर करना होगा। तो अभी ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ठीक है जी। इधर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड और कॉल मी। बेस्ट ये है कि आपको टेक्स्ट मी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इधर आपको अपना जो कंट्री है वो कंट्री सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि इधर ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने सारे कंट्री आ जाएंगे। तो अपने मुताबिक कंट्री सिलेक्ट करना है, और इधर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ इधर 4771, ठीक है। तो देन आपको क्लिक करना है गेट कोड, जो ही आप गेट कोड कह रहा हूँ, गेट कोड पे आपको आप जो ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके सामने कोड आ जाएगा जो अभी आ चुका है 6598847। तो यही कोड आपको लिखना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है कि कांग्रेचुलेशन योर फ़ोन नंबर इज़ नाउ वेरीफाइड, मतलब आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो यार आप देख सकते हैं अब हमारा जो YouTube का चैनल है या अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। इस जगह पे आपको पहले देखने को मिल रहा था एलिजिबल, तो अभी आपको देखने को मिल रहा है अनेबल, मतलब कि चैनल या YouTube का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो इसी तरह से आपको वेरीफाई करना है जो मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो यार इस वीडियो में आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी, कैसे वेरीफाई करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई और कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके पूछ सकते हैं, या अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर दें, किया वजह ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ताकि नेक्स्ट किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल करें, हमें भी दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।